हेलो नमस्ते। हेलो, मेरा नाम ऋषभ चावला है। और जैसे आपको पता ही है कि हमारी आज मतलब मेरी और आशना जी की आज शादी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सच बताऊं तो मैं नर्वस तो बहुत हूँ। फाइनली ये डे आ चुका है। मैंने इतने टाइम से हम वेट कर रहे हैं। हमारी वैसे एंगेजमेंट तो बहुत पहले हो चुकी थी, बट बीच में वो लॉकडाउन हो गया था तो फिर रुकना पड़ा हमें। बट बहुत बहुत खुश हूँ अभी मैं आज। शायद आशना ने बता दिया होगा कि हमारी इंगेजमेंट हुई थी, बस शादी रह गई लॉकडाउन के चक्कर में। और आज ही वो मुहूर्त निकला है कि हमारी आज शादी होगी। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। अब वो बस रेडी हो रहे हैं अंदर बाथरूम में, तो वो जो है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर मुझे आधा घंटा लगता है तैयार होने, तो उनको वही आधे घंटे का कुछ 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। कितना टाइम लगेगा? सो चुके हैं। मेरे बारे में पक्का उन्होंने बोला होगा कि मैं ज्यादा टाइम लगाता हूँ, बट मैं पहले आपको बता दूं कि वो बहुत टाइम लगाती हैं। तो इनका ये है कि इनको गेम्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम जो ये आज जो 24 आवर्स का हमारा है, उसको थोड़ा फन बनाने के लिए हम चिट्स ऐड करते हैं। ओह उनका नो आई थिंक फेवरेट वर्ड आफ्टर चुपा चुप्स, उनका फेवरेट वर्ड चिट्स है। वो हर चीज के लिए चिट्स बनाते हैं और हम गेम्स खेलते हैं। गेम्स चलती है हमारे रिलेशनशिप के अंदर। हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही फन रहा है थैंक्स टू चिट्स। तो हम कुछ चिट्स बनाने वाले हैं जो कि वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो हमारी गेम के अंदर भी यही है कि चिट्स होंगी। चिट्स के अंदर अलग अलग टाइप के मूड्स और इमोशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि शाय, रोमांटिक और एंग्री। तो मैं कोई एक चिट उठाऊंगा, उसमें जो आएगा मुझे आशना के साथ वैसे ही रहना होगा। सब देखते हैं। मैं शाय हूँ बहुत ज्यादा, आई एम सॉरी। अजी सुनती हो? शाय आया है, शाय। मेरे पंडित आ चुके हैं और हमारी अभी वो होने वाली है रसम। ये हम कोविड की वजह से आपको थोड़ा हमने डिस्टेंट रखा है। अरे ये बताओ कि आपके घर वाले कहाँ पे हैं? ओह नो, यही है घर वाले मेरे मैं ही हूँ, मेरे मेरा सारा सारा सब कुछ यही है। मैं ही इसका सारा संसार हूँ। वो सारे घर वाले, हमारे घर वाले तो उधर ही हैं। आपकी शादी की उम्र हो गई है इनसे पूछना। आपकी हो चुकी है उम्र? दाढ़ी भी आ गई है। सारी चीजें ले लिया, घी वगैरह रख लिया अपने पास? हाँ, यहाँ मोमो की चटनी है, वो आई थिंक काम कर जाएगा। थोड़ा कॉफी कॉफी भी अपने पास पड़ी हुई है। यहाँ कॉफी है, मोमो की चटनी है, प्लीज आप थाली देख लीजिए हमारा। अरे तो गला खराब हो तो हनी टस भी रख लिया। गला खराब हो, थोड़ा चीनी भी है। बोल रही है अब चुगुन है। आपकी दोनों की शादी हो चुकी है, अब ले देर ढकी अपना। आपने बोला प्लेट प्लेट से चलेगा, थोड़ा बजट कम है हमारी शादी का। हो गई शादी हमारी के ना, बस 7 बारी बेड के आसपास घूम दो, यू आर गुड टू गो। मैं भूल गई थी मेरे पंडित जी थोड़े जिम फ्रीक भी हैं। आइए आपको मैं उठाऊं। लंजेस करने होंगे? लंजेस, चलो चलो चलो, रेडी 3-2-1। चलो चप्पल उतारने का। पंडित जी बोले बहुत है, बहुत है। यस, नाउ यू मे ईट मोमोज। नो, हमें बर्फी खानी है पहले। चलो बर्फी खाएं। एक पंडित एवर मोमोज का नाम दिया हमको। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पैर पोंड। वी आर फाइनली मैरिड। May the fun begin. Let's start the fun. हनीमून पे हम मुंबई चले। काफी एक्साइटिंग है ये, काफी एक्साइटिंग है। तो गाइस अभी मैंने बस चाय बनाया था एंड उन्होंने फिर मुझे बोला कि हम कहीं जा रहे हैं बाहर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि हम पूरे लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं गए, कुछ नहीं हुआ है ना, मिले हैं इतना। तो चलो
यहाँ से ऊपर जी जी छत जा रहे हैं छत पे चाय पीएंगे ना सुबह बढ़िया मजा शाम की चाय इतने एक साल बाद कोई घर से बाहर निकल के छत पे रहता है अपने आप मेरे साथ फोटो भी नहीं निकालते शुरू करते कितनी सीढ़ियां हैं ये छत के लिए मम्मी दरवाजा बंद कर लेगा ममास बॉय ओए ऋषभ बहुत अच्छी लाइट है जी कब खत्म होगी सेक्स एक साल बाद मुझे आपका एक्सक्यूज मी आप ये क्या दिखा रहे हो ये हमारे देखने वाले लोग ये क्या है आपका पूरा रेड ब्लू सब दिख रहा है अंदर से आपका वो थोड़े शाय है ना अभी उनका वो शाय मोड चल रहा है वो थोड़े हल्का सा बस स्प्लिट पर्सनालिटी है उनको तो प्लीज आप ध्यान रखिए ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको दूसरे लोग तो नहीं लग रही अच्छा मेरे लिए को ये भी नहीं पता कि मैं कॉफी पीती हूँ बड़ा ब्यूटीफुल लाइट छत में चिल चाय है आई एम सो सॉरी आपने जो 20 घंटे लगाए हैं रेडी होने के लिए उसमें चाय ठंडी हो गई थी आपकी गंदा कुछ मलाई जैसा बट आपने बनाई है तो ठीक है कुछ शायरी वायरी बोलिए ना ओह नो शायरी बादलों को देखा तो तुम दिखी सूरज को देखा तो तुम दिखी बस तुम दिखी आओ थोड़ी सैर करें ठीक है ठंडी पावन हवा और अब ठंडी पावन हवा बचपन में क्या करती थी मैं वो छत पे भरतनाट्यम करती थी सामने हाँ। आपको मैंने देखा था भी मैं सोच रहा था आपको देखा है अच्छा यहाँ से तो आप बचपन से ही लाइन मार रहे हो मतलब छत छत से लाइन तो नहीं मैं आपको बस देखता था और बस देखता था बट मेरे को नहीं पता था कि आप ही हो वो तो ऐसे तो 500 लड़कियां मेरे साथ आपको कैसे पता मैं ही थी बस मैं पहचान लिया आपको शायद अभी भी आपका थोड़ा मूड चेंज करना चाहूंगी ये जो है जिनका मूड बदलता रहता है चिट्स में एंग्री क्या सीन है बता क्या सीन है खाने का बनाया आज तुमने ओह शिट बोल क्या खाने का सॉरी एक्चुअली मुझे बनाना है बट मुझे लेने जाना पड़ेगा क्या सामान मैं साथ चलूं लेट्स गो चलो ओ ठीक है पैदल जाना है हमको शादी से पहले किसी ने नहीं बताया कि मूड हर हर 6 घंटे बदलता है मूड यही तो होना चाहिए ऐसे होना चाहिए इंसान आई एम सो सॉरी ये मेरा फनी वर्जन ओए चलो ओए सडनली कैरेक्टर याद आ गया ऋषभ को ओए वॉलेट तो क्यों वॉलेट क्यों चाहिए था मैं नहीं दूं पैसे पनीर के तू कैसे देगी हाँ मैं दूंगा ना ये क्या मतलब ये मुझे मर्डर कर देगा आई फील चलो सीधा मैं क्या दूंगा इधर चलो रोड के मुझे वो ज्यादा रोमांटिक मतलब मेरे साथ चुपचाप चलो चुपचाप अभी पनीर मुंह पे मारूंगी पनीर मुंह मारी है हाँ घर चलने दे एक बारी बस अब आई थिंक गाइस बंद करना पड़ेगा कैमरा जब तक हम शॉप नहीं पहुंचते यहाँ से लोग हमारी बातें कर रहे हैं आई एम अ प्रो
मैंने आते ही 5 मिनट्स मसाले फेंक के बना दिया है। ऋषभ पीछे से भी गुस्से में देख रहा है मुझे। क्या हो गया, बन रहा है 5 मिनट में? कब बनेगा 5 मिनट? तब से बन रहा है, मैं भूखा मर चुका हूँ। तो नहीं, टाइम लगता है खाना बनाने के लिए, ऐसे ही बन जाता है। लगता तो ऐसे बढ़िया रहा है देखा जाए तो। थैंक्स फॉर गुस्सा कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या मिलेगा, चपाती या फिर राइस? वो तो तू बनाएगा ना? मैं बनाऊं? डिवाइडेड है ना, मैं बनाऊं? हाँ। नहीं। आजा, स्टोन पेपर, नहीं स्टोन पेपर सिजर, स्टोन पेपर सिजर, यस चपाती। ओह नो, एंग्री। टेस्ट करके बता पहले, फिर बनाऊंगी मैं रोटी। चम्मच का है। I'm so sorry. नहीं अच्छा है? प्लीज, वही देख रहा था अभी सामने। क्या? चाटा मारू? तू एक काम कर, तू ये ले ले, प्लीज चेंज योर मूड, आई थिंक इट्स टाइम। लास्ट वाला है ना? हाँ ये लास्ट है, मैं इससे ज्यादा मूड मैं भी टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। क्या है उसमें? क्या है? Yeah. I'm romantic person. Oh, thank you so much. Wow. Thank you so much. Leave you there. अब YouTube से change हो जाएगा। Date पे चले? Romance कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। Date पे yes please आ जाएंगे हम। कुछ सोचते हैं, plan out करते हैं। पहले room में चले ऊपर। Excuse me. Meet our son. Jerinder. Very beauty son. Jerinder Chawla. Jerinder. Jerinder, hi. Beta. Beta, hi. बोल दो सबको. Beta, hi. बोलो. हमारा बच्चा काफी बड़ा हो गया पहले. शाही पनीर का वो है. By the way. Thank you so much. उसमें मिट्टी है थोड़ी सी बस। मैं आपको कैसा लग रहा हूँ वैसे? कौन मैं? मैं आपकी तो बहुत तारीफ करूँ? तो चांद का छोटा सा टुकड़ा हो। Love you too. मैंने आपके लिए कुछ प्लान करा है। उसके लिए आपको थोड़ी देर बाहर जाना पड़ेगा, मैं आता हूँ अभी आपके पास। सो गाइस, अभी आशनों को बाहर भेजा है मैंने, और अभी थोड़ा बहुत रूम का वाइब चेंज करते, थोड़ा रोमांटिक वाइब करते थोड़ा रूम का। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, थोड़ा अच्छा लगे तो उसे, बाकी मैं ट्राई करूँगा पूरा। सो आई एम ऑलमोस्ट डन, मैंने सारी ये कैंडल्स जला दी, आपको दिखेगा नहीं, रुको अभी थोड़ा आपको दिखाता हूँ। अच्छा Now let's call my baby. Baby. Let's call. Oh my god. Yeah. वेलकम। हम बच्चे के साथ हैं, कौन हो रहा है इधर? जेरी, कैंडल की खुशबू आ रही है आपको, सो क्यूट। कैंडल कैंडल एवरीवेयर, फीलिंग रियल कपल वी आर। हेलो, लाइट जला कर खाते हैं। आपके लिए थोड़ा यहाँ पे भी कुछ पड़ा हुआ है, आइए जरा। ए बनाया है तूने? ऋषभ को ऊट बहुत पसंद है।
सॉरी थोड़ा लो बजट था बट फ्लावर फॉर यू वंस अगेन. वाओ यस सक्सेसफुल थैंक यू ऊंधी है थैंक गॉड जेवी. सो अब बैठे हैं थोड़ी देर हम यहाँ पे भी बैठ सकते हैं वैसे तो बट एक्चुअली मुझे कॉल आया था मेरी फ्रेंड का तो मुझे उसको मिलने जाना है. मैंने उसको बोला हमारे बारे में तो वो ऐसी थी कि ऋषभ को भी साथ लेके आ तो ये सेटअप हम मतलब वापस आके यूटिलाइज कर सकते हैं. आई एम सो सॉरी जब मैं बाहर बैठी थी तो मेरे को कॉल आया. आई एम सो सॉरी डार्कनेस. कितना दूर जाना है अब हमने? काफी दूर है क्या? गाड़ी तो आपको चलानी आती नहीं है तो हम कैब से चले जाएंगे. पैदल चलते हैं इसे करते हैं. चलो अब फिर चलते हैं इसकी दोस्त के घर. yes. और वहां जाके कुछ देखते हैं. रास्ते से आपको तब तक गिफ्ट दिलवा देते हैं कुछ बढ़िया सा. वाओ रोमांटिक. सो गाइस अभी हम असाइड फ्रॉम द चैलेंज अभी हम ऋषभ के घर बोल रहे हो. अभी हम एडी के घर आए थे एंड वी वर जस्ट चिलिंग थोड़ा टाइम इसलिए हमने कुछ फिल्म नहीं किया. बट अब मैं थक चुकी हूँ एंड मुझे बोलना चाहिए मेरे हस्बैंड जो अंदर है दूसरे रूम में जो कि इसकी भी फ्रेंड है. मुझे नहीं पता था कि एडी के घर आ रहे हैं हम. मेरे को तो लगा मैं आशी को मिलने आ रही हूँ. तो आशी और ऋषभ अभी अंदर है और अब हम निकलने वाले हैं. तो लेट्स गो कॉल ऋषभ पहले. लेट्स गो. यार क्या कर रहे बात कर रहा बस. मैंने तुझे मेरे फ्रेंड्स को मिलाना है ये करने लेके आई हूँ. मैं यहाँ वीडियो खत्म कर रही हूँ बिकॉज ऑफ आर बैड एक्टिंग. हम नहीं कर पाएंगे तो मैं यहाँ वीडियो एंड कर रही हूँ. तो शाउट आउट फॉर टुडे गो टू श्रेया मोरे एंड आयशा खान. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. इफ यू वांट टू शाउट माय नेक्स्ट वीडियो ऑल यू हैव टू डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो दिस वीडियो दैट यू हैव. और आपको हम सबको सब्सक्राइब टू माय हस्बैंड. कांग्रेचुलेशंस भी लिखना है कमेंट्स में. सो सॉरी दिस वाज सो ड्रामेटिक. बाय द वे देखो मेरा कौन सा वाला वर्जन अच्छा लगा. शाय एंग्री और रोमांटिक. Let us know in the comments. बहुत इम्पोर्टेंट है ये. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. मुझे सबसे ज़्यादा. You have to choose one. सबसे ज़्यादा हंसी मुझे शाय में आई. I think मेरा फेवरेट वही है शाय वन. शाय वन is very funny. So let us know in the comments. Bye. Till then bye. शाय आया है. शाय शाय आया है. सीरियस एक्टिंग करनी है क्या? सुला क्यों रहे उसको? वो बच्ची है यार. स्लोमो बना तुम्हें नहीं एक्टिंग करनी है. एक ही बार तो रोल है. तुम्हें नहीं एक्टिंग करनी है क्या? Don't kill me. Please don't unfollow us. Beta. Beta.